हेलो स्टूडेंट स्वागत करते हैं एक बार फिर से फलन सर समीका के बारे में आज हम बताने वाले हैं त्रिकोण मिति भाग तीन आज का वीडियो बनाया जा रहा है जैसा कि यह वीडियो बनाया जा रहा है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए तो जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है भाग तीन है भाग दो देखना है भाग वन देखना है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पे लिंक दिया गया है तो इस भाग में मैं आपको क्या बताना वाला हूँ वो कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछने के अधिक चांसेस हो तो उसका मैं हल आपको बताने वाला हूँ भाग वन और टू में मैंने बेसिक चीजें बता दिया है कि फलन समता के बेसिक चीजें क्या होती हैं तो भाग तीन में मैं क्वेश्चन केवल बताने वाला हूँ चलिए ध्यान दीजिए वो कौन से क्वेश्चन देखिए पहला यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है अब इस क्वेश्चन में क्या है टेन एक्स अपान वन माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स अपान वन माइनस टेन एक्स अब इसको सॉल्व करके हमें लाना है कि ये क्या आंसर आएगा शॉर्टकट मेथड से भी कर लीजिए या लॉन्ग मेथड से भी कर लीजिए देखिए कैसे ये सॉल्व होगा सबसे पहले ध्यान दीजिए अगर टेन है यहां पे कॉट है यहां पे कॉट है यहाँ पे टेन तो सबको एक ही फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा अगर टेन है तो उसको भी टेन कीजिए अगर ये कॉट है तो उसको भी कॉट कीजिए मतलब चारों तरफ से एक ही फॉर्म में चेंज करने के बाद हल करेंगे तो आसानी होगा चलिए करते हैं टेन एक्स बटे ऊपर को टेन छोड़ दिए वन माइनस वन अपान टेन एक्स मीन्स हम हर किसी को टेन में चेंज करेंगे प्लस वन अपान टेन एक्स बटे वन माइनस टेन एक्स यहां तक तो ठीक है अब इसके आगे देखिए इसका गुड़ा इसमें करेंगे और इसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर अब ये नीचे आ जाएगा गुड़ा में तो वन अपान टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स यहाँ तक तो सिंपल है अब इसके बाद एक छोटा सा चेंजेस करना है क्या है देख लीजिए इधर छोड़ देते हैं टेन स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स माइनस वन अब यहाँ पे माइनस करते हैं क्योंकि हमें इसको बदलना है टेन एक्स माइनस वन करना है इसकी तरह इसकी तरह हमें चेंज करने के लिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा अब ये हो जाएगा टेन एक्स और यहाँ पे लिखेंगे अब टेन एक्स माइनस वन ये परिवर्तित करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ा अब क्या करते हैं दोनों का एलसीएम ले ले लेते हैं तो हो जाएगा टेन एक्स टेन एक्स माइनस वन अब यहाँ पे टेन टेन से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा टेन क्यूब एक्स माइनस के वन अब देखिए क्या दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यू का फार्मूला दिख रहा है तो ए माइनस बी फार्मूले के तौर से रखेंगे दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो ये मैंने फॉर्मूले के तौर से लगा दिया और नीचे क्या है टेन एक्स टेन एक्स माइनस वन ये कर लिया अब सिंपल से तरीका देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्या बचा? 10 square x plus one मतलब होता है sec square x और बचा है tan x बटे के tan x यहां तक तो हो गया अब एक बार इसमें डिवाइड कीजिए एक बार इसमें डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा sec square x बटे के tan x plus one ये इससे डिवाइड हो जाएगा one अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है और इसको छोड़ देते हैं अब इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स को वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन अपान टेन को लिखेंगे कॉट हो जाएगा कॉट को सीधे करेंगे कॉस एक्स वटे के टेन एक्स और ये प्लस वन कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा एक एक बचेगा तो उसको लिखेंगे वन अपान कॉस मतलब होता है सेक एक्स इंटू ये सॉरी ये साइन रहेगा अब वन अपन साइन मतलब होता है कोशेक एक्स और प्लस वन यही ऑप्शन में अगर आ जाता है तो आप उसे टिक कर लीजिएगा चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू से अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू में कौश ए माइनस साई ने बराबर मान दिया है रूट टू साई ने तो कौ प्लस साइने का मान बताना है कैसे करेंगे इसका मान निकालना है इसके तरीके से तो क्या करना है सबसे पहले कौसे का मान इससे निकाल लेते हैं और साइने का मान निकाल के इसमें मान रख लेते हैं चलिए देखते कैसे तो पहला जो कंडीशन दिया गया है कौश ए माइनस साइन ए बराबर दिया है रूट टू साइने ये तो मान दिया गया है हमें कॉस ए निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा इसको पछहत्तर कर देंगे रूट टू रूट टू प्लस वन कर देंगे और यहाँ पे कॉमन कर देते हैं साइन ए ठीक है आप समझ सकते हैं क्योंकि आप इंटर लेवल से कर रहे हैं या हाई स्कूल लेवल पे इतना शॉर्टकट कर सकते हैं तो कॉस ए का मान तो हमें मिल गया लेकिन हम अब साइन ए का मान निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन ए का भी मान रखना है तो साइन ए का मान निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा पछांतर में कॉस ए अपान रूट टू प्लस वन फिर देखिए इसका प्रमेय गुणान कर लेते हैं कॉस ए अपान रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन बटे रूट टू माइनस वन इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना ही प्रमेयिक गुणांग कहलाता है ऊपर हो जाएगा कॉस ए रूट टू माइनस वन बटे के टू माइनस वन या नीचे हो जाएगा वन तो कह सकते हैं साइन ए की वैल्यू आ गई रूट टू माइनस वन और कॉस ए ये हो गया साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू मैंने ऊपर निकाला है ये है कॉस ए की वैल्यू तो इन दोनों वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इस मान में रख लेते हैं तो चलिए रखते हैं तो जो पहला है कॉस ए प्लस साइन ए इसी का मान हमें निकालना है तो ध्यान दीजिएगा कि हमें कॉस ए का मान नहीं रखना है सीधे छोड़ देते हैं साइन ए का वैल्यू हमें ये रख लेते हैं रूट टू माइनस वन कॉस ए अब देखिए क्या करना है इस कॉस का मल्टीप्लिकेशन दोनों में करते हैं तो हो जाएगा कॉस ए प्लस रूट टू कॉस ए माइनस कॉस ए ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा बचेगा रूट टू कॉस ए यही हमें आंसर टिक करना है क्वेश्चन नंबर तीन देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीन में कॉट थीटा प्लस कोशेक थीटा बराबर पांच वैल्यू दिया गया है तो कॉस थीटा का केवल मान निकालना है तो कैसे करेंगे हमेशा इस कंडीशन में इस सवाल को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे देखिए कॉस में लाना है तो सभी को हमें साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा तो कर लेते हैं कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस वन अपान साइन थीटा के इज टू फाइव उसके बाद दोनों में एलसीएम लेते हैं साइन थीटा तो हो जाएगा cos प्लस वन इज इक्ल टू के फाइव फिर देखिए आगे हम लिखेंगे कॉस्थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव साइन थीटा का होल स्क्वायर अब पूछिए ये कैसे हो गया हमने इसका इधर मल्टीप्लाई किया और दोनों पक्षों का वर्क कर दिया ठीक है अब इसको हम होल स्क्वायर से तोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा और इधर कर देंगे पच्चीस माइनस पच्चीस साइन स्क्वायर थीटा ये कैसे हो गया सॉरी ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कैसे हो गया क्योंकि इसको हम लिखेंगे वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा और पहले वन में गुड़ा करेंगे तो पच्चीस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो पच्चीस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिए अब देखिए आगे क्या करना है आपको ये कॉस स्क्वायर थीटा है यहां पे भी कॉस स्क्टा इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा छब्बीस और, और इसको उधर पछांतर करेंगे तो चौबीस मिल जाएगा चौबीस को इधर भेज देते हैं माइनस चौबीस इज इक्वल टू के जीरो अब सभी में दो से डिवाइड कर लेते हैं तेरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू के जीरो ये हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है हल करने के बाद क्या मान आता है देख लीजिए दो मान आएगा एक आता है cos थीटा इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई थर्टीन एक आता है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वन ये दोनों मान आ गया इसी दोनों मान में से एक को चूज करना है जो पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव वाला मान हम टिक कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर एक्स प्लस वन अपन एक्स इज इक्वल टू तो दिया गया है टू कॉस्ट थीटा तो ज्ञात करना है एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका सोल्यूशन करना बहुत ही आसान होता है जो मान दिया रहता है उसी के अनुसार हम लोग हल करते हैं जैसे दिया एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब तो ये क्यूब का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा चलिए लगा लेते हैं तो देखिए एक्स प्लस वन अपान एक्स का अगर होल क्यूब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपान एक्स ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे अभी क्या करना है बस इसमें हमें वैल्यू रखना है किसका एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू दिया गया है टू कॉस थीटा तो लिखेंगे टू कॉस थीटा उसका होल क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपान एक्स का वैल्यू फिर रखना है टू कॉस थीटा रखने के बाद आपको क्या करना है इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा आठ कॉस क्यूब थीटा माइनस इसको क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं वैसे ही टू कॉस थीटा इसको छोड़ दिए अब क्या करते हैं टू दोनों में कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा फोर कॉस क्यूब थी थ्री कॉस थीटा अब देखिए ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको यदि नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं क्या है वो है कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला है इसको आप टिक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आपको परेशानियां नहीं करेगी देखिए क्या है के के मानों को रूप में व्यक्त मतलब करना है कहने का मतलब है थीटा को फॉर्मूला से चेंज कीजिए और थीटा के रूप में ही होना चाहिए तो थीटा है लेकिन ये टेन नहीं होना चाहिए साइन होना चाहिए कैसे करेंगे हम टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे के कॉस थीटा ये तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया लेकिन साइन के रूप में मिल गया ये कॉस है तो इसको भी हमें साइन बदलना पड़ेगा क्योंकि ये साइन के रूप में ही बदलना है तो इस कंडीशन में हम करेंगे साइन थीटा बटे अब कॉस को चेंज करना है तो हम लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे करेंगे तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा अगर इसी चीज को हम इस तरह से कर देंगे रूट बना देंगे तो ये सही हो जाएगा अब पूछिए कैसे तो इसको देखिए यहां पे कैसे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा लेकिन अगर ये रूट करेंगे तो ये भी रूट हो जाएगा अब ये रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा केवल कॉस थीटा तो कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं तो इस चीजों को मैंने बता दिया तो ये क्या है साइन थीटा के दोनों के रूप में है या इसी को कह सकते हैं टेन थीटा ये ऑप्शन में अगर आता है तो ये आप टिक कर सकते हैं इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से टिक कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए वहां पे आपको लिंक दिया गया है देख लीजिएगा धन्यवाद